जय माँ काल का। कैसे हो आप सब लोग? मैं सुनील सन्नी JKM, पुजारी श्री कालका जी मंदिर, पुत्र माँ कालका रानी जी का। तो आप सब लोगों के जिस वीडियो को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आए हैं कि कालका मंदिर में जो गोद भरी जाती है वो कैसे भरी जाती है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि कालका मंदिर में जो गोद भरी जाती है वो कैसे भरी जाती है। उस गोद भरने के लिए आपको अपने घर से क्या प्रसाद लाना पड़ता है और फिर कालका मंदिर की पुजारी जो कि अंदर सेवा करते हैं वो आपकी गोद कैसे भरते हैं। तो चलो दिखाता हूँ आपको पूरी वीडियो। पहले कालका माँ के दर्शन करते हैं, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। जय माँ कालका, माँ कालका ब्लेस यू, जय माता दी। जय माँ कालका। अब मैं मंदिर पहुँच गया हूँ। मन में भाव है कि मैं कालका माँ के मंदिर जा रहा हूँ, माँ के अपने परिवार के लिए मनोकामनाएं मांगूंगा कालका माँ से। बड़ा खुश होता हूँ मैं, बड़ा जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मेरे अंदर बहुत ही उत्सुकता होती है कि बस मैं अपनी माँ के दर्शन करने पहुँचने वाला ही हूँ, तो बस मेरे पैर अपने आप ही भागते हैं। जय माँ कालका, जय माता दी। अब मैं ऑलमोस्ट मंदिर पहुँच गया हूँ। तो अब देखिए, ये मेरी एक बहन है जो कि किन्नर समाज से हैं और ये डेली मंदिर आती हैं और मेरे को बहुत पसंद करती हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला कि मुझे आपके साथ वीडियो बनानी है। अब मैं इनको बोल रहा हूँ मास्क उतार दो अपना। मैं आप सब लोगों को बता दूँ, किन्नर से दूर नहीं जाते, ये अर्धनारीश्वर का रूप होते हैं जो हमारे भोलेनाथ जी और पार्वती का रूप होता है। जय माँ कालका। अब मैं मंदिर पहुँच गया हूँ। अब मैं आपको पूरा वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बोला था वीडियो स्टार्ट होने से पहले। अब जयकारा लगा दो आप सब लोग, हम मंदिर पहुंच गए हैं। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार। आप ये देखिए, ये बहन है जिसने बीच में हाथ में थाली ली हुई है येल्लो सूट के अंदर। तो इसको मैंने बोला आज मैं आपकी गोद भराता हूँ, भीड़ में मैं इसको लेके आया लाइन में से निकाल के। अब मैं मंदिर के अंदर पहुंच गया हूं। मेरी कालका माँ का रूप देखिए आप, कितना सुंदर लग रही है मेरी माँ, आप इनके दर्शन करिए। अब मैंने इस बहन का प्रसाद अंदर जो पुजारी था उसको चढ़वाया। आप ये देखिए, थाली के अंदर फल भी हैं, केला फल दिलाया था मैंने बहन को। ये कालका माँ का प्रसाद चढ़ गया, जो फल थे वो पंडित जी ने गोद में रखा। अब मैंने इनको बोला कि भाई आप इनकी गोद भरो, तो ये देखिए इनकी गोद भरी, इन्होंने झोली में प्रसाद लिया। ऐसे ही कालका मंदिर में गोद भरी जाती है। आप सब लोग सारे देवी देवताओं के दर्शन करिए, फिर मैं आपको वीडियो जब आप पूरी देख लोगे, दर्शन कर लोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो पहले आप दर्शन कर लीजिए सब। बस जयकारे लगाते रहो कालका माँ के और सारे देवी देवताओं के। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। ना कोई चिंता ना कोई भय, कालका माई तेरी सदा ही जय। ऐवे नी घबराई दा, बोल जयकारा मेरी कालका महामाई का, बोल साचे दरबार की जय। जय हो मेरी माँ, अपने बच्चों पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना मेरी माँ। हे जगत जननी माँ, अपने सारे बच्चों को खुश रखना, उनके परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना। आपका पुत्र बस यही मनोकामना करता है कि आप सबको खुश रखो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करो, सबके संकट हरो हे जगत जननी माँ। जयकारा मेरी कालका महारानी जी का, बोल साचे दरबार की जय। मेरी माँ बहुत भोली है, मेरी कालका माँ बहुत भोली है। जयकारा मेरी कालका माई का, मेरी माँ का भवन देखिए आप। जय माँ कालका। तो सब आप सब लोगों ने पूरी वीडियो देखी। अब मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि आपने वीडियो में नोटिस किया होगा कि भीड़ में मैं आ रहा था तो मेरे साथ एक हस्बैंड और वाइफ थे, उन्होंने हाथ में प्रसाद लिया हुआ था थाली, तो आज उनकी मैंने कालका मंदिर में गोद भराई।
तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कालका मंदिर में गोद भराने आओगे तो आपको 5 फल और 1 पानी का नारियल ये अपने साथ में लाना है। और अगर आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, आपके भाव हैं, तो आप माता का श्रृंगार भी ला सकते हो, माता की चुन्नी भी ला सकते हो, लेकिन पानी का नारियल और 5 फल लाना ज़रूरी होता है। फिर आपने वीडियो में देखा होगा कि वो अंदर गई हैं, वो हस्बैंड और वाइफ, मैंने उनका प्रसाद चढ़वाया, उन्होंने प्रसाद की थाली दी, ऐसे ही आपको देना है। अंदर जब आप मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो प्रसाद दोगे आप अपना, और जो पंडित जी अंदर मौजूद होंगे वो फल माता को लगाएंगे, माता को समर्पित करेंगे। उसके बाद आप जो अंदर पंडित जी सेवा कर रहे हो, मैं हूँ या कोई और भी हो, तो आप उसको बोलोगे कि पंडित जी आप मेरी गोद भर दो, तो जो अंदर मौजूद पंडित होंगे वो आपकी फल से, पानी के नारियल से गोद भरेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि अंदर मंदिर के अंदर कालका माँ की गोद में क्या मौजूद है। अगर पानी का नारियल मौजूद है तो पानी के नारियल से आपकी गोद भरेंगे, अगर फल मौजूद है तो वो आपकी फल से वो करेंगे, ठीक है। इस तरीके से कालका मंदिर के अंदर गोद भरी जाती है। आप जो फल प्रसाद ला रहे हो वो कालका मंदिर में चढ़ाया जाता है, और कालका माँ की गोद के अंदर जो फल या पानी का नारियल होता है, पंडित जी आपकी गोद में वो सामान डालते हैं। इस तरीके से आपकी कालका मंदिर में गोद भरी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी गोद भरी, जो प्रसाद आपको मिला, आपकी गोद में आया, चाहे वो फल हो, चाहे वो पानी का नारियल हो या कुछ और हो, तो आपको उसको खुद ग्रहण करना है, आपको खुद खाना है। अब वो आप एक बार में खाओ, दो बार में खाओ, एक दिन में खाओ या दो दिन में खाओ, ठीक है, वो प्रसाद जो आपको मिला है वो आपको खाना है, ठीक है। इस तरीके से कालका मंदिर में गोद भरी जाती है। और कालका माँ का मैं पुजारी, पुत्र माँ कालका रानी जी का, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो गोद भरी जाती है ये कालका माँ से मनोकामना की जाती है कि हे कालका माँ कि आप मेरी गोद भरो, मैं निसंतान हूँ, या मेरे को कालका माँ संतान दो, या और कोई भी वजह रही हो जिसकी वजह से संतान नहीं है, तो इससे कालका माँ बहुत प्रसन्न होती है और आपकी गोद भरती है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया, फिर कालका मंदिर में जैसे आपने पूजा करी, अर्चना करी, उसके बाद सारी देवी देवताओं के दर्शन करते हुए आप अपने घर चले जाओगे। जय माँ कालका। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अगर इसके अंदर कोई चीज़ आपको कन्फ्यूज़न है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आप सब लोग मेरे को कमेंट में मैसेज करते हो, मैं सबके रीड करता हूँ, कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो मैं लाइक हर किसी के कमेंट का करता हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें दिखती हैं आपकी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो के थ्रू आपसे ये सारी बात कर सकूँ। एक बात और, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते या दिल्ली से बाहर रहते हैं या कालका मंदिर नहीं आ सकते, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो लोग कालका मंदिर नहीं आ सकते या दिल्ली से बाहर रहते हैं या कोई वजह रही है जिसकी वजह से वो कालका मंदिर नहीं आ सकते, और उनको अगर अपनी गोद भरवानी है तो वो एक काम करेंगे, 5 फल लेंगे, अपने घर के पास जो भी मंदिर है, या घर के पास कोई मंदिर नहीं है तो अपने घर का मंदिर जहाँ पे आप अपने घर के अंदर पूजा करते हो, वो 5 फल वहाँ चढ़ाओगे, ठीक है। वो 5 फल आप अपने घर के मंदिर के अंदर चढ़ाओगे और कालका माँ से अरदास करोगे, हे कालका माँ मैं आपके मंदिर या भवन, किसी भी वजह रही हो, जो अभी आपकी वजह है उस वजह से मैं नहीं आ सकती, तो प्लीज़ आप मेरा प्रसाद ग्रहण करो। और वो आपके भाव के ऊपर डिपेंड है कि आपके भाव उस टाइम कैसे हैं जब वो प्रसाद माँ को चढ़ा रहे हो, तो हे कालका माँ आप मेरे उस प्रसाद को ग्रहण करो। उसके बाद वो प्रसाद आप खुद ग्रहण कर लेना, माँ को चढ़ा के थोड़ी देर बाद थोड़ी देर उनके पास रख के अब वो प्रसाद आप उसको खा लेना। इस तरीके से भी आपकी मन्नत पूरी होती है, कालका माँ आपकी गोद भरती है। तो ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और लोगों तक भी पहुँचाना, ताकि कालका मंदिर से रिलेटेड उन तक सारी बात पहुँचे। जय माँ कालका, माँ कालका ब्लेस यू। सुनील सन्नी JKM, पुजारी श्री कालका जी मंदिर, पुत्र माँ कालका रानी जी का। जय माँ कालका।